श्री पुष्पगंज सागर जी महाराज अहिंसा परमो धर्म की आवाज से कर रही इतनी मोटी नहीं है मेरी माई की आवाज खराब है मंदिर का नहीं मंदिर एक प्रश्न है कि पानी में रहने वाली मछली तो नदी में है तालाब में है सरोवर में है समुद्र में है वो यही कह रही है कि मैं प्यासी हूँ पानी भी था तुम्हारे जाने से कुछ नहीं हो बैठ गया पानी नहीं रुके पानी में रहने वाली मछली पानी से भाषित होती है पानी आ पानी में रहने वाली मछली यदि ये बोले कि मैं प्यासी हूं इसे आप क्या कहोगे बताइए प्रश्न में उत्तर दीजिए प्रवचन मत सुनिए बात करिए मेरे पानी में रहने वाली मछली यदि बोले कि मैं प्यासी हूं इसे आप क्या कहोगे और क्या रिपीट करोगे तो वक्त बर्बाद होगा एक हो चुका हो दोबारा मत बोलो नया आ रहा है तो अज्ञानी असंतोष और क्या कहो अरे इतना सब प्रश्न आश्चर्य और बताइए परिग्रह कहाँ से आ रहे हैं प्यास लगी तो परिग्रह बात महाराज को प्यास लगी तो परिग्रह ही होगा कमाल हाँ बोलिए क्या कहोगे पूर्व कर्म का उदय बहुत बढ़िया पूर्व कर्म का उदय हो पानी में रही तो पी लेना क्या दिक्कत हो कर्म क्या रही हो उसमें क्या कहो मछली पानी में है कह रही मैं प्यासी हूं जिसे आप क्या कहोगे निमित्त नहीं है मन रहे मछली सहनी है कि असहनी है मन होता है असंतोष और मन तृप्त में क्या अंतर कौन सी क्लास में पढ़ेगा मुंबई में रहते गांव जैसी बात करते क्या कहेंगे आप बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे बुजुर्ग लोग बैठे बताइए मछली यदि पानी में प्यासी है तो आप क्या कहेंगे उसे उपदेश करेंगे अपन उसको ना तेरे पास बहन पानी है तो पी ले उठा के ना बहुत अच्छा वो सुन रही तुम्हारा कहना मान रही है क्या कहोगे आप सब कुछ होते हैं उसका पुण्य नहीं है उसको पुण्य नहीं यही तो देश बर्बाद हुआ जो नहीं हो रहा बोले पुण्य नहीं है बस पानी से प्यासी नहीं हो रही प्यास लगी होती मछली का दारू पीती दूध पीती है जूस पीती क्या पी पानी के अलावा क्या पिएगी मछली तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मछली तुम्हारी आंटी की लगती है मछली मछली पानी के अलावा क्या पिएगी वो थोड़ी जूस पीने जाएगी जूस सेंटर कोल्ड ड्रिंक पीती है मछली क्या पीती है पानी तो पिएगी
पानी के अलावा पीती क्या है? आदमी की बात थोड़ी कर रहा हूँ, पानी में कोल्ड ड्रिंक ले कर रहा हूँ। तो क्या बोल रहे, इतना सा प्रश्न है, इसका उत्तर यदि नहीं आया बोल चुके ना, हमारी अम्मा जी हो, रिपीट मत करिए। वाह, पता नहीं इसका कहाँ से फिट होता है मोर, उसको प्यास लगी हम कह रहे मोर। मैं तो सोचता था कि बड़े महाराज जी कैपेबिलिटी नहीं है उसमें पानी पीने की, प्यास लगेगी ना, पानी पीने की कैपेबिलिटी तो पेड़ में भी होती है, तो जीव कैसे रहेगी, अजीब हो जाएगी। और लगाई दिमाग उत्तर लाई मोर, सो गई होगी ना। अच्छा वो वाला पानी नहीं पीना, क्या बात है, फ्रिज का लेकर आओ ना, मिनरल वाटर चाहिए उसको ना, बहुत बढ़िया गजब, कहाँ से आई आंटी, मिनरल वाटर चाहिए उसको, ये वाला दूध पीना है, आलू का लेके आओ, दिखाई नहीं दे रहा, अंडी मछली थोड़ी बोला मैंने, मैं तो बोला मछली नहीं है, उसे प्यास लगी, बताने थोड़ी अंधी मछली को प्यास लगी, बोला पानी तो अंधा भी पी लेता है, पानी देखने की चीज ही नहीं हो तो पीने की चीज, पानी में आंखें क्या करेंगे, अंधा आदमी पानी नहीं पीता, बोलो पानी पीने की आंख की जरूरत है, पानी पीने की प्यास की जरूरत है। महाराज जी जितना पानी उसको पीने की इच्छा है, उत्तर दे रहे तो हाथ क्यों उठा रहे, बैठोगे। महाराज जी जितना पानी पीने की उसको चाह है उतना पानी समुद्र में नहीं है, बहुत बढ़िया गजब गजब, तुम्हारी घर की गिलास में नहीं है वो, समुद्र की बात करो, उतना पानी नहीं है समुद्र में जैसा वो पीना चाह रही है। संयम रखा, संयम वाह बहुत बढ़िया, मछली संयम रख रही, थोड़ी देर बाद तुम इच्छा भी दिला देना, मछली संयम रखती है, संयम है तो प्यास प्यास क्यों चिल्लाएगी, बताइए इसका सेम के लिए मानो नहीं हम ले जाएंगे, अच्छा लग रहा है, बताइए बोलो क्या कहो, इतना सा उत्तर नहीं यार, कोई सीए बैठा होगा, कोई एमबीए बैठा होगा, कोई व्यापारी बैठा होगा, बड़ी बड़ी जॉब वाले बैठे होंगे, ये लड़की स्कूल वाले बैठे, आप बताइए कि मछली को प्यास लगी है पानी में रह गए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कहाँ रखे, मरी बाहर निकल के तो मरी जाएगी, उसे प्यास काहे को लगेगी, उसे क्या कहो, झूठी बोल रही हो, मछली को बोल रही है, की बात नहीं करता, वो तो बोलती है मछली की बात, क्या कहोगे आप, एक प्रश्न इतना, मैं तो भाई ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूँ नहीं, मैं तो ज्यादा पढ़ा ही नहीं, मैं महाराज हूँ, ना मैंने एम डी किया, ना मैंने सी ए किया, ना इंजीनियरिंग की, ना मैं डॉक्टर बना, कुछ नहीं बना, दो अक्षर इंग्लिश के पढ़े वो भी उल्टे पढ़े हैं, बी ए बी ए वो भी उल्टे, ए भी शुरू होता हमने बी ए पढ़ा, इंग्लिश के दो अक्षर वो भी उल्टे, बताए क्या क्या कहेंगे, आज समझ में आया कि मछलियों के बीच में बैठे यदि पानी मछली में है और कह रही है कि मैं प्यासी हूं, तो ये मछली का दुर्भाग्य है, क्या है मछली का, क्या है ये, ना पुण्य समझो, ना कुछ समझो, ना संतोष समझो, ना असंतोष समझो, इसे मैं कहूंगा ये मछली ये तेरा क्या है, दुर्भाग्य है कि पानी होने के बाद भी क्या कह रही है कि मैं प्यासी हूं, ये मछली का क्या है, क्या है दुर्भाग्य, क्या मछली को दुर्भाग्य को सौभाग्य में बनाया जा सकता है,
बोलो, सुहास को सुहास में बदला जा सकता है, बोलो बदला जा सकता है। यदि मछली को सूझ आ जाए, समझ आ जाए कि पानी तो यही है, दुर्भाग क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सौभाग्य बन जाएगा। मछली पानी में है, कहे मैं प्यासी हूँ, ये उसका दुर्भाग्य है, और यदि उस पानी का पान करती है तो ये मछली का बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ करता है। मेरा प्रवचन समाप्त किया। मछली को दुर्भाग्य को सौभाग्य बनाना चाहिए या नहीं, प्रश्न मेरा यहाँ से प्रवचन शुरू होगा। बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, बोलिए। यदि बना लेगी तो उसी समुद्र में सुखी हो जाएगी कि नहीं, बोलो। और दुर्भाग्य को सौभाग्य में नहीं बनाया तो उसी समुद्र में पानी रहते भी मृत्यु को प्राप्त होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। तो मछली अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है, समझ में आ रहा। वैसे आप और हमें जैन कुल मिला है, जैन भगवान की शरण ली है, फिर भी यदि हमने जैन धर्म को नहीं स्वीकारा, ये हमारा क्या है, क्या है हमारा, ये हमारा है? जिन शासन को पाया, जैन भगवान को पाया, जिन कुल में पैदा हुए, ऐसा धर्म मिला जो अहिंसा प्रधान धर्म है, ऐसा धर्म मिला जहाँ पर बच्चे बच्चे को सिखाया जाता है कि रात्रि में भोजन नहीं करना, ऐसा धर्म मिला कि जहाँ सिखाया जाता है पानी छान करके पीना, ऐसा धर्म मिला जहाँ पर सीटी का पैर रखना भी पाप हुआ करता है, और ऐसे धर्म को पाने के बाद भी यदि आप इस धर्म को अंगीकार नहीं किया तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा क्या है, दुर्भाग्य। मंदिर जाने का मन नहीं करे तो सोचना ये मेरा क्या है, दुर्भाग्य है। पूजा करने का मन नहीं करे तो क्या सोचना ये मेरा दुर्भाग्य है। अभिषेक करने का मन नहीं करे तो समझना ये मेरा दुर्भाग्य है। तो मंदिर आने के बाद भी हमारी कलुषताएं ना मिटे तो समझना ये हमारा सबसे बड़ा इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। चुप करो, जब तुम दुर्भाग्य हो जाएगा बच्चा है उसको कुछ समझता, समझ में आ रहा तारा, क्लियर हो रहा। तो माला फिरने का मन करता है या नहीं, झूठ मत बोलो, मन लगता है कि नहीं, नहीं लग रहा कि हमारा क्या है, क्या है, समझ में आ रहा। इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं या नहीं, बोलो। यदि आप जैन होकर के रात्रि में भोजन कर रहे हैं ये तुम्हारा क्या है, जोर से बोलो, डरे डरे मत बोलो, बोल खुल रही है, दुर्भाग्य की सौभाग्य। रात्रि भोजन यदि आपने त्याग कर दिया जैन धर्म में पैदा होने के बाद, तो इस दुर्भाग्य को किसने परिवर्तित कर दिया, आप उस बकवास में मत जाओ कि पहले सूर्य का प्रकाश था, पहले लाइट नहीं थी इसलिए नहीं खाते थे, अंधेरा हो जाता, हजार तर्क देता है आज कई बार, ध्यान रखिए। यदि आप तर्क देकर के इस धर्म से बच रहे हैं तो ये भी तुम्हारा बहुत बड़ा बनाओ दुर्भाग्य को सौभाग्य, बोलो बनाओ या नहीं। एक बात बताओ, जीवन का लक्ष्य क्या है, आप अपना अपना लक्ष्य बताओ, क्या लक्ष्य, क्या लक्ष्य तुम्हारे, झूठ मत बोलना भगवान के साथ, आपको साक्षी मान के कह रहा हूँ, मेरा जीवन का लक्ष्य ये है कि मैं अपना हित करते हुए पढ़ाई, मतलब मैं अपने ऐसा व्यवहार करूं, अपने जो कर्तव्य की पूर्ति करते हुए परिवार के प्रति पूर्ति करने के बाद में समाज और देश के लिए मेरे से जो बन पड़े उस रास्ते पे मैं, ठीक। और भी बताएं लक्ष्य अपना, वही लक्ष्य बोलना जो भक्ति का थे, बनावटी वाला नहीं। बच्चे का लक्ष्य, बेटा क्या बनना चाहते, डॉक्टर, इसके जीवन का लक्ष्य क्या है, डॉक्टर। छोटू ये लोग सही बोलेंगे, तुम लोग तो सब बनावटी, क्या बनना चाहते, अपने जीवन का ध्येय क्या, समाधि मरण, जीना लक्ष्य नहीं, मरने लक्ष्य, टेंशन कर लेते हैं।
जीवन कैसा भी कचरा हो मृत्यु कैसा होना चाहिए समाधि। देखो कितना बेईमान आदमी दुनिया है। अरे जिसका जीवन खराब हो उसका मरण भी खराब होगा, और जिसका जीवन अच्छा है उसकी मृत्यु भी। ऐसा कभी हो सकता है कि गलत जीवन जियो अच्छी मौत हो जाए? आदमी पढ़ाई लिखाई नहीं करे रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए, मृत्यु जीवन का रिजल्ट हुआ करता है। आप यदि सही तरीके से जीवन जिएंगे तो मृत्यु भी सही होगी, और गलत तरीके से जीवन जिएंगे तो मृत्यु भी गलत होगी। जीवन का गणित बड़ा उल्टा है। यहाँ मौत को सुधारो तो मौत नहीं सुधरती, जिंदगी को सुधारो तो मौत अपने आप सुधर जाया करती है। मृत्यु सुधारना तो आप बेटा तैयार है, पड़ोसी है ना, तुम्हारा नंबर आएगा तब तक माँ का बेटा कैसा हो पूरा सारा जैसा हो अपने घर में नहीं पड़ोसी बताइए लक्ष्य क्या जी अपना का लक्ष्य होता है बिना लक्ष्य का जीवन कोल्हू का बैल सुबह से शाम चलेगा, आंख में पट्टी बंधी है, गोल गोल घूमेगा, सोच रहा है कि आज 50 किलोमीटर चल गया, 100 किलोमीटर चल गया, और जैसे ही पट्टी हटती है जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा। समझ में आ रहा? तो तुम्हारी पूजा क्या है? कोल्हू के बैल की पट्टी है। पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, नियम भी लेते हैं, अभिषेक भी करते हैं, लेकिन जब पट्टी खुलती है तो जहाँ खड़े थे, जहाँ से चले थे, वहीं खड़े होना। क्यों समय बर्बाद करते? ये पूजाएं कल्याण करेगी? ये अभिषेक कल्याण करेगा? ये माला कल्याण करेगी? यदि लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य क्या सोचिए। अंधविश्वास वाला धर्म मत करिए। भगवान ने इसे धर्म मूर्ता कहा। मां भी भगवान तीन मूर्ताएं बोली, देव मूर्ता, धर्म मूर्ता, गुरु मूर्ता। बोली धर्म मूर्ता है। यदि बिना लक्ष्य आप पूजन पाठ कुछ भी कर रहे हैं ये मूर्ताएं हैं, तो मूर्ताओं को मिथ्या बोला है। मूर्ता वाला कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं करता है। मूर्ता वाला कभी अपने जीवन के ध्यान रखिए क्या लक्ष्य है आपके जीवन का। लक्ष्य तैयार करिए, मुझे जीवन में क्या करना है, क्या करना। बच्चे बड़े हो जाए महाराज, उनकी शादी हो जाए, उनके बच्चे हो जाए, उनको भी पाल पोस के बड़ा कर दें, और अपने जीवन का लक्ष्य मालूम है क्या है? सोमवार को पैदा हो जाना, मंगलवार को बड़े हो जाना, बुधवार को विवाह कर लेना, गुरुवार को बच्चे पैदा कर लेना, शुक्रवार को बीमार पड़ जाना, शनिवार को अस्पताल चले जाना, रविवार को दुनिया को चले जाना। तो वैसे ये लक्ष्य क्या लक्ष्य होना चाहिए हमारे जीवन। पहले तो ये बताओ कि लक्ष्य किसे कहते हैं, लक्ष्य क्या होता है। बोलो, जब तक लक्ष्य नहीं मालूम तब तक लक्ष्य बनेगा। लक्ष्य क्या होता है, मंजिल। अब देखो क्या वो तो इंग्लिश में बोल दिया। लक्ष्य वह होता है जो कभी अलक्ष्य ना हो। एक बच्चे ने लक्ष्य बनाया कि मैं डॉक्टर बनूंगा, उसके बाद लक्ष्य बदलेगा या नहीं बदलेगा? बन गया, अब क्या करेगा? फिर नया लक्ष्य बनाएगा। समझ गया? आपने पढ़ना लक्ष्य बनाया, पढ़ाई हो गई, अब लक्ष्य बदलेगा या नहीं बदलेगा? अब पढ़ाई किस लिए की? कमाई के लिए, है ना। अब कमाई लक्ष्य हो गया, अब कमाई किस लिए? शादी के लिए। शादी लक्ष्य हो गया, शादी किस लिए? बच्चों के लिए। बच्चे लक्ष्य हो गए, बच्चे किस लिए? व्यापार के लिए। व्यापार लक्ष्य हो गया, अब व्यापार किस लिए? मकान बनाने के लिए। अब इतने लक्ष्य चेंज होंगे तो लक्ष्य कहलाते हैं। लक्ष्य कभी नहीं बदलता, लक्ष्य में कभी परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन हो जाए उसको लक्ष्य नहीं बोलते। समझ में आ रहा? ये सीए बनना, ये डॉक्टर बनना, इंजीनियरिंग बनना, बड़े बिजनेसमैन बनना, ये आजीविका के साधन हो सकते हैं, लेकिन जीवन के लक्ष्य नहीं हो सकते हैं। जीवन का लक्ष्य तो केवल एक ही होना चाहिए मानव जीवन का लक्ष्य, ना इंजीनियर बनना, ना डॉक्टर बनना, ये आजीविका के साधन है।
जीवन जीने के तरीके हैं। लक्ष्य तो हमारा होना चाहिए भगवान बनना, लक्ष्य हमारा होना चाहिए मोक्ष जाना, लक्ष्य हमारा होना चाहिए परमात्मा पद को प्राप्त करना, क्योंकि इसके बाद फिर दूसरा कोई लक्ष्य नहीं बचता है। बचता भगवान बनने का, तो क्या बनोगे बोलो, कुछ बनोगे क्या? नहीं बनोगे ना। तो मानव जीवन का लक्ष्य क्या? सिद्ध बनना। क्या बनना? ईश्वर बनना, भगवान बनना। अब बोलिए, जब यदि आपने अपना लक्ष्य बना लिया कि मैं भगवान बनूंगा, आपने लक्ष्य बनाया मेरा विवाह हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरा व्यापार चल जाए, मेरी रोजी रोटी चल जाए। अब ये तो उनकी भी चलती है जो लक्ष्य नहीं बनाते हैं। ध्यान रखिए, एक जानवर भी पेट भरता है या नहीं भरता? कुत्ते का पेट भरता है कि नहीं? सुबह से शाम में भर लेता है भाग दौड़ के, यहाँ जैसे तुम लोग गाड़ियों में भाग रहे हो, वो भी भाग दौड़ के अपना पेट भर लेता है। तुमने पेट की व्यवस्था कर ली, कौन सा बड़ा काम कर लिया? बच्चे जानवरों में भी पैदा हो जाते, तुम्हारे हो गए तो कौन सा बड़ा काम कर लिया है? रहने के लिए घोंसला पक्षी भी बना लेता है, तुमने एक मकान बना लिया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया? ये काम तो पशु भी कर लिया करते हैं, ये काम तो जानवर भी कर लिया करता है। लेकिन एक अंतर है मनुष्य और जानवर में, कि मनुष्य भगवान बन सकता है, लेकिन जानवर कभी भगवान नहीं बन सकता है। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान बनना होना। नारकी भगवान नहीं बन सकता, देवता भगवान नहीं बन सकते हैं, जानवर भगवान नहीं बन सकता है, लेकिन इंसान भगवान। हमारे जीवन का, मानव जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए बोलो? भगवान बनना। क्या लक्ष्य होना चाहिए? भगवान बनने वाला ऐसे जिएगा जैसे तुम जिए? बोलो बोलो बोलो, कैसे जिएगा भगवान बनने वाले? नहीं मेरे जैसा, मैं भी अभी कोई गारंटी नहीं कि बन जाऊं भगवान। कैसे जिएगा ये बताइए भगवान बनने वाला? रात में खाएगा इसको भगवान बनना? बोलो हाँ या ना। खाएगा ना? बाजार का खाएगा? दूसरा करेगा? कषाय करेगा? राग द्वेष करेगा? निंदा करेगा? बुराई करेगा? लड़ाई करेगा? क्या करेगा? भगवान बनने वाले के गुण है? बोलिए नहीं है ना? क्या करेगा? जब भी आपके अंदर कोई गलत भाव पैदा हो, जबकि आपके अंदर कोई ईर्ष्या पैदा हो, जबकि आपके अंदर क्रोध आए, आप उसी समय सोचना कि यदि ये सब मैंने किया तो मैं भगवान नहीं बन पाऊंगा। क्या सोचना है? झगड़ा किया, राग द्वेष किया, संसार को बढ़ाया, तुम्हें कभी भी भगवान बनने वाला नहीं। ये मानव जन्म और जैन धर्म काय के लिए मिला था? बोलो क्या बनने के लिए मिला था? डॉक्टर बनने के लिए? बोलो इंजीनियर बनने के लिए? बिजनेसमैन बनने के लिए? यदि ये बनने के लिए जैन धर्म मिला था तो ये तो और जाति वाले भी बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं? ध्यान रखना, ये सब चीजें दूसरी जाति का आदमी भी बन जाएगा, लेकिन भगवान जब भी बनेगा तो जैनेन्द्र बनकर ही भगवान बनता है। जैन कुल में ही भगवान बनने की शिक्षा प्राप्त होती। जो सब जगह हो जाए वो हमारा धर्म नहीं हो सकता है, वो जो किसी धर्म में नहीं होता है वो हमारा जैन धर्म हुआ करता है। हर धर्मों में भक्त बनने की चर्चा है, भगवान बनने की चर्चा होती है। क्या बनना है अपने को? जीवन का लक्ष्य भगवान। बस आप एक बात ध्यान रखो, मछली को इतना पता चल जाए कि जिस पानी में तू रह रही है यही तेरी प्यास हो जाएगा, मछली का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। और आपको इतना पता चल जाए कि मुझे भगवान बनना है, आपकी सब दुष्प्रवृत्तियां मिटने में एक मिनट नहीं लगेगा, सारा चेंज हो जाएगा। बस एक बार हमारे दिल में आ जाना चाहिए, मेरे जीवन का लक्ष्य ईश्वर बनना है, मुझे मानवीय गुणों का विकास नहीं, मुझे ईश्वरीय गुणों का विकास अपने जीवन में करना है। आदमी के अंदर राक्षस के भी गुण हुआ करते हैं, पशु के भी गुण हुआ करते हैं, मानव के भी गुण हुआ करते हैं, और हमारे अंदर भगवान के भी गुण हुआ करते हैं। अरे एक पत्थर में आग छिपी होती है, लेकिन जब तक उस पत्थर को रगड़ा नहीं जाए तब तक आग पैदा नहीं हुआ करती है। माचिस की तीली में आग
तक घर्षण नहीं होगा तब तक आग प्रकट नहीं हुआ करती है। मेरे अंदर भी एक भगवान छिपा हुआ है और जब तक जिनेंद्र भगवान से देव साथ गुरु से हमारा घर्षण नहीं होगा तब तक भगवान बनने की ज्यादा भीतर प्रकट होने वाली नहीं है। दर्शन तो करना पड़ेगा। एक बात बताओ, साइंस पढ़ते होंगे बच्चे, तुम लोग भी एक आध तो पढ़ा लिखा होगा, दसवीं अठवीं तक तो पढ़े होंगे, पढ़े हो फिजिक्स पढ़ी फिजिक्स का एक प्रश्न है मेरा, कोई भी जो नहीं पढ़ा वो भी बता देगा। एक लोहे को मन में आया कि मैं चुंबक बन जाऊं, क्या आया लोहे के मन में कि मैं चुंबक बन जाऊं। अब ये सोच रहा है बैठा बैठा मैं चुंबक बन जाऊं, मैं चुंबक बन जाऊं, मैं चुंबक बन जाऊं। फिजिक्स वाले बताइए कितने दिन में चुंबक बन जाएगा, बोलो कितने दिन में बन जाएगा। नहीं मुझे मैं चुंबक बनने, अच्छा चुंबक बनने की शक्ति उसमें है या नहीं है ना, जंग नहीं लगा उसको, उपयोग लोहा है, चुंबक बनने की शक्ति है ना। और वो एक कोने में बैठ के बोले मैं चुंबक, मैं चुंबक, मैं चुंबक, मैं चुंबक, मैं चुंबक, मैं चुंबक, कब बनेगा, एक साल में, हजार साल में, 2000 साल में, नहीं बनेगा ना। सोचने से चुंबक बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। क्या करना पड़ेगा उसको, किसी चुंबक से क्या करना पड़ेगा, सटा के रखना पड़ेगा ना, है ना। तो सटा के रखने के बाद यदि कोई ये भी ना सोचे कि मैं चुंबक बन जाऊं तो भी क्या होगा, थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद क्या होगा, बोलो चुंबक के गुण किसमें आ जाएंगे, लोहे में आ जाएंगे। लोहा कुछ दिनों के बाद क्या बन जाएगा, चुंबक बनेगा या नहीं बनेगा, इतना तो विश्वास है कि ब्लाइंड फेथ है। हकीकत है कि लोहे को चुंबक बनना है तो उसे चुंबक से सटकर चलना पड़ेगा या दूर चलना पड़ेगा, सटके चलना पड़ेगा। दूर बैठ के सोचता रहे तो चुंबक बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। एक बात ध्यान रखिए, हम लोहे हैं, ये चुंबक हैं, इनसे सटके जियो, एक दिन तुम भी चुंबक में परिवर्तित हो जाओगे, एक दिन तुम्हारे अंदर भी भगवान के गुण प्रकट हो जाएंगे। और आप यदि देव साथ गुरु से दूर दूर भागे तो ये सोचना लोहा बैठा बैठा सोच रहा मैं भगवान बनूंगा, वो जिंदगी में कभी भी भगवान बनने वाला नहीं है। एक बात याद रखिए, यदि हम देव साथ गुरु जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे एक ना एक दिन वो गुण हमारे अंदर जरूर आएंगे। आप ये बताइए, लंबी बातें छोड़ दीजिए, आज मैं कहां से चला, काशी से चला, विचार करिए मेरा गुण पैदल चलना है या नहीं, बोलो किसका गुण है, मुनि महाराज का है ना, मेरे से सटके तुम पैदल चले कि नहीं चले, बोलो ये तुम्हारा गुण तो नहीं था ना, किसका गुण था पैदल चलना, मेरा। और मेरे साथ चलते हैं कि ये गुण तुमने आया या नहीं आया, आया ना, तो चुंबक के पास लोहे चलो और एक दिन वो प्रभाव तुम्हारे अंदर, नहीं तो ये लोग मंदिर भी जाते हैं तो पहले गाड़ी देखते हैं, सब्जी लेने जाए तो लेने भी नहीं जाते, ऑनलाइन ही सब्जी आ जाती है, तो विचार करिए ये गुण तो आता ही आता है। एक बार बताइए, यदि मैं यहाँ नहीं आता तो तुम इतने सब लोग यहाँ बैठे होते नहीं, बैठे होते ना, ये चुंबक के गुण है जो तुम्हें यहाँ आके बिठा दिया है। मुंबई के व्यस्तम जीवन में भी आप हर परिवार को नजरअंदाज करके यहाँ पर आकर के बैठ गए। धर्म से सट कर चलो, धर्म से बच कर मत चलिए, ध्यान रखिए कोई तर्क मत लगाइए, कोई गुंजाइश नहीं है धर्म में तर्क की। ध्यान रखना केवल एक ही लक्ष्य हमारे जीवन का हो तो हमारा ये दुर्भाग्य एक दिन काय में बदलने लगेगा, सौभाग्य में बदलने लगेगा। और यदि हमने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया तो हमारी पूजाएं हमें कुछ नहीं देंगी, हमारी माला हमें कुछ नहीं देगी, हमारा स्वाध्याय हमें कुछ नहीं देगा। एक घंटे का टाइम पास मंदिर में करोगे और घर चले जाओगे, जीवन में कोई रूपांतरण नहीं होगा, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिए, जितना जितना परिवर्तन है उतना उतना धर्म है, और जितना जितना परिवर्तन नहीं है वो सब अधर्म के खाते में जाता है। आप अपने स्वभाव को बदलिए, अपने नेचर को बदलिए, अपने व्यवहार को बदलिए। एक बात याद रखिए, एक जो मैं आपको सूत्र दे रहा हूँ, दूसरों को खुश करने का प्रयास बिल्कुल मत करिए। दूसरों को खुश करने में आप लगे रहेंगे, दूसरा कभी भी खुश होने वाला नहीं है। भाई साहब ने अभी अभी कहा दूसरों का हित हो जाए, अरे जिंदगी में महावीर हमारा हित नहीं कर पाए, हम क्या दूसरों का हित करेंगे। एक बात ध्यान रखना, आदमी दुख
धंधे में लगा रहता है। आदमी कोई काम करता है सोचता है उसको बुरा नहीं लग गया हो, उसके मन में दुख नहीं पहुंच गया हो, मैं पुष्प लेकर के तुम दुखी होते रहते हो, ध्यान रखिए। जबकि मैं पुलक सागर कहता हूँ, दूसरों को खुश करने के लिए काम मत करिए, खुद की खुशी के लिए काम करिए। जो खुद को खुश रखता है दूसरा उससे अपने आप खुश हो जाया करता है, उसे खुश रखने की कोई जरूरत नहीं हुआ। यदि आप ही मरे मरे से उदास से लटके बैठे हो, दूसरों को क्या खास खुशी होगी? तुम विचार करिए, मैं प्रसन्न आदमी ही प्रसन्नता बांट सकता है, खुशी आदमी ही खुशी बांट सकता है, पुण्यात्मा ही पुण्य बांट सकता है। ध्यान रखना, जिसमें भगवत्ता के गुण होते हैं वो ही भगवान बनने के सूत्र बांट सकता है। ध्यान रखिए, पहले खुद खुश हो जाइए। आप खुश हैं या नहीं दूसरों को संतुष्ट मत करिए। आप दूसरों को संतुष्ट करते हैं खुद असंतुष्ट बने रहते हैं, ऐसे कभी जीवन का लक्ष्य नहीं मिला करता है। यदि मैं संतुष्ट हूँ तो मेरा पूरा विश्वास है मुझसे मिलने वाला भी संतुष्ट नियम से होगा। यदि मैं खुश हूँ तो मेरा ओला खुश होगा, मेरा वातावरण खुश होगा, और उस वातावरण में जो जो आएगा उसे खुशियां अपने आप प्राप्त होते चले जाएंगे। तो खुशी के अनेक बात और ध्यान रखो, कोई भी काम करो खुशी के लिए मत करो। खुशी के लिए करोगे खुशी कभी प्राप्त नहीं होगी। खुशी के लिए काम मत करो बल्कि खुश होकर काम करो, खुशियां अपने आप हमको प्राप्त। हम काम तो करते हैं, अच्छा सुनेगा झाड़ू लगा और लगाना तो है, अब रोके लगा रहे, मुंह बना के लगा रहे, अब ना सांस को सो रही ना थूक को सो रही, कुछ तो वो कमरा हो रहा है कि साफ हुआ जा रहा है। ध्यान रखना, विचार करे, खुश होकर काम करो, तुम भी खुश रहोगे, ये काम बोझ नहीं लगेगा। जिंदगी बोझ कब लगती है? जब खुशियां हमारे पास नहीं हुआ करती हैं। कोई भी काम करो, आदमी को थोड़ा सा भी काम इतने खुश होके करो, अभिषेक करो, इतने आनंदित होकर के करो, ऐसे करो कि आज के जीवन की अमूल्य निधियां प्राप्त हो गई हैं। ध्यान रखना, वो अभिषेक तुम्हारे कल्याण में कर, और इसी में लगे रहो, कौन कर रहा, अरे उसने कर दिया, मेरा नंबर नहीं आया, पहले मैं करूं, बाद में मुझे धक्का दे, नहीं करो मेरे भाई, वो अच्छा है। विचार के आगे आदमी आज मेरे साथ चल रहे थे, बोले महाराज ये महिलाएं अभिषेक कर सकती है कि नहीं कर सकती है? अरे मैंने कहा आदमी ये बता, तू मर्द है या औरत है? तो बोले मैं मर्द हूं, तो मैंने औरत का टेंशन काहे को ले लिया अपनी जिंदगी में, वो तो लड़ने नहीं, आदमी लड़ रहा है अभिषेक के लिए। घर तेरे की, तू तो कर अभिषेक भगवान का, महिलाओं के लपड़े में काहे को पड़ा है? दिक्कत ये होती है, आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी भी महिला ने अभिषेक के लिए झगड़ा नहीं किया, जब भी किया तो आदमी ने झगड़ा किया है। आप सुन, महाराज लोग लगे करो अभिषेक करो, अभी लगे क्या लेना देना महाराज तुमको, कोई भी कर रहा अपन को भगवान देखना या करने वाला देखना है। औरत अभिषेक करेगी तो मुझे कौन सा सुख मिल रहा है मेरे भाई, आदमी करेगा तो मुझे कौन सा दुख मिल रहा है? औरतों की लड़ाई में मत पड़ो मेरे भाइयों, तुम लोग धोती दुपट्टे पहनो, भगवान का अभिषेक करो और अपने जीवन का कल्याण होता है। दूसरों की चिंता में मरे जा रहा है आदमी, विचार करो घर में उस औरत की इज्जत नहीं करता, यहाँ अभिषेक के लिए झगड़ा होता है। आप सोचो तो आदमी की जिंदगी तो देखो, घर में एक गिलास पानी भर के नहीं देता उसको, समाज में झगड़ा करता मेरी बीवी अभिषेक करेगी, मैं घर में पानी मांगेगी तो देगा नहीं, पानी उससे ही मंगवा लेगा। ध्यान रखिए, विचार करिए आप, तो इन फिजूल बातों में पूजाएं हमारी कषाय बन रही हैं, अर्ध हमारे कषाय बन रहे हैं, धर्म हमारा कषाय बन रहा है। मान्यवर बड़े निर्मल भाव से आप करिए, मान्यवर केवल करना ही, यदि करने से पुण्य मिला करता है तो हमको तो अभिषेक का पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो करते नहीं है। जिसकी जो व्यवस्था हो वैसा चलने का प्रयास करिए। मेरा एक ही मिशन है पूरे हिंदुस्तान में, आप किसी को कुछ मत बोलिए, मंदिर आओ अपनी शांति और अपनी खुशी के लिए आओ, खुशी लेकर के लौटिए। हंसी जिसने बांटी हंसी लेकर लौटा, खुशी जिसने बांटी खुशी लेकर लौटा, गम जिसने बांटे वो गम लेकर लौटा, और तुझे जिसने मांगा तुझे लेकर लौटा। ईश्वर को ध्यान रखिए, परमात्मा का ध्यान रखिए, क्या हमारी डिमांड है, क्या हमारा लक्ष्य है, प्रत्येक आत्मा को सोचना चाहिए हमारे जीवन के लक्ष्य क्या हुआ करते। अभी अभी मैं आया, एक आदमी ने मेरे कान में डाला, महाराज ये भाड़े का, अरे तुम इनका तू भाड़े के चक्कर तू भाड़े में क्यों जा रही है? कोई ऐसा होना जिनका तुझे क्या लेना देना है, काय को माता पूरी कर रहा, भगवान है दर्शन कर प्रणाम कर अपना कल्याण करो उतर जा। आदमी ये देवता किराए का मकान, ये मकान मैंने उस आदमी से पूछा, इधर आ तू ये कह रहा ये किराए का है, जिस शरीर में तू रह रहा बोल वो किराए का है कि तेरे बाप का है, बोल बता। तो ये किराए का, तू किराए को ले लिया उस किराए के। आदमी ऐसे ऐसे
जगत के, मैं तो यहाँ आया देखा तुझे भाड़ा दिख रहा, किराया दिख रहा, मुझे मेरा भगवान दिखाई दे रहा है, विचार करिए आप तो सोचना है क्या देखना क्या नहीं देखना है। मैं तो यहाँ आया जैसे ही अंदर आया बहुत थक गया था सचमुच, इतना पसीना पसीना, ये मुंबई वाले एक टाइम जूस पिलाते और दिन भर सवेरे सब निकाल लेते हैं अंदर जो पूरे शरीर से पसीने ही पसीना, लेकिन जैसे ही यहाँ आया भगवान की मूरत देखी सारी थकान दूर हो जाया करती है, शांति प्राप्त हुआ करती है। इतनी सुंदर प्रतिमाएं, इतना सुंदर मंदिर, ये नया नया है कि पुराना, नया नया, प्रभु भगवान कुछ दिन बाद ही तुम्हें अपने रंग में रंग ले। विचार करिए, सोचना है आपको, विचार करना है, केवल फालतू चीजों से क्या मतलब है। आपको दर्शन मिल रहे हैं, आपको पूजा मिल रही है, पूजन करो, दर्शन करो, चुपचाप अपनी घर की ओर चले जाओ। पिक्चर में आदमी कितना शांत बैठता है टाकी में, इतना शांत की खांसे तो बाजी वाले का डर लगता है, फोन आ जाए तो डर लगता है, फट से दबाता उसको साइलेंट में करता है। पीछे टाकी में शांत है, मंदिर में अशांति है। विचार करिए, आप सोचिए, मंदिर में झगड़े, मंदिर में विवाद है। एक बात याद रखिए, पाप का स्थान है, धर्म का स्थान है, लेकिन दुख तो इस बात का है कि हम पाप के स्थान में एक हो जाते हैं और धर्म के स्थान में अलग अलग हो जाया करते हैं। अरे जहाँ से एक होना चाहिए वहाँ अलग हो रहे हैं। विचार करिए, किसका महत्व है आपके जीवन में, सोचिए। एक टाकिस में आपके बाजू में कौन बैठा है, आप दिमाग नहीं लगाएंगे। टाकिस में कौन बैठा है, आप माथा फोड़ी नहीं करेंगे, उससे नहीं पूछेंगे तू दिगंबर है, श्वेतांबर है, हिंदू है, मुसलमान है, उससे नहीं पूछेंगे। बाजू में बैठे कि तू तेरा पंथी है या बीस पंथी है, तू कहान पंथी है या तारण पंथी है, ये सारे प्रश्न मंदिर के लिए पैदा करके रखे हैं। आपने विचार करिए, सोचना है कहाँ से आप धर्मात्मा हो जाएंगे, कहाँ से आपको धर्म प्राप्त होगा। एक बात क्या हो, मैं बैठा बैठा सोच रहा था महावीर जयंती पर, मैंने सोचा कि भगवान महावीर तुम धरती पर एक बार आ जाओ, ये समाज सुधर जाए। भगवान महावीर ने मेरे कान में कहा कि तू पागल है, मुझे मत बुला, तू ही भुगत ले मेरे कर्मों की सजा। इनका मामला क्या है, अरे बोले मैं आऊंगा, जैसे ही बोले एक बार मैं आ गया धरती पर। तो ये कहानी गप है, सरासर गप है, झूठी है, नहीं तो तुम बोलो कि वहां से महावीर लौट के आ जाएंगे। कहानी गलत है लेकिन उसका तथ्य बिल्कुल सही है। जैसे ही भगवान आए, जैसे ही चौराहे पर पहुंचे, श्वेतांबरों ने पुकारी, भगवान हमारे मंदिर में चलो, हमारे मंदिर में चलो। सब मंदिरों में लिखा हुआ ये भगवान महावीर मंदिर, महावीर ने देखा यार तेरा मंदिर, बोले हाँ मेरे बारे में चलो, बहुत सुंदर आंखें लगाएंगे, मुकुट पहनाएंगे, आंगी पहनाएंगे। महावीर ने कहा यार ये तो सब मैं करके गया नहीं था, लफड़ा काम से कर दिया तुम लोगों ने। तो महावीर ने कहा मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, रुक जाओ। थोड़ा आगे बढ़े, देखा 20 पंथी दिगंबर जैन मंदिर, महावीर की आंखें फटी की फटी रह गई कि यार ये कहाँ से बन गए, आप बनाए तो मंदिर मेरे नाम से बने हैं ये। बोले हाँ भगवान, 20 पंथियों ने पकड़ा, हमारे मंदिर में चलो, हमारे मंदिर में चलो। भगवान ने कहा रुक जा, अभी तेरे मंदिर में नहीं जाता हूँ। आगे बढ़ा, 13 पंथियों का मिल गया। भगवान ने कहा ये भी बन गया, मेरे नाम का मंदिर है। बोले यहाँ पे फूल फल चंदन कुछ नहीं चढ़ा करते, इसमें चलो। भगवान ने कहा यार तू रुक जा, थोड़ी आगे बढ़ दो, आगे कांजी स्वामी मिल गए उनको। बोले यहाँ तो ना 13 है ना 20 है, यहाँ तो आत्मा का धर्म है, यहाँ आ जाइए। महावीर ने कहा यार बड़े लफड़े हैं, कितने सारे मंदिर बना दिए। और आगे गए, बोले भगवान मंदिर का लफड़े ही कदम। बोले क्यों, बोले पट्टी वाले स्थान। अरे महावीर स्वामी ने कहा मैं तो भटक गया पुलक सागर, यहाँ आके अब जाओ, इस दुनिया वालों से कह दो जब तक ये लेवल नहीं हटेंगे तब तक महावीर लौट कर दोबारा इस दुनिया में आने वाले नहीं है। आप सोच, ये स्थिति हमने बना दी महावीर भगवान के धर्म की, जिनके रहते हुए इतने भार ढेर नहीं हुए, टुकड़े नहीं हुए, हमने टुकड़े कर दिए। अब तो महाराजों के नाम से टुकड़े होने लगे, हम फलाने महाराज वाले, हम ठिकाने महाराज वाले, हम इस आचार्य वाले, हम उस आचार्य वाले, ये कितनी धर्म की भज्जियां उड़ाते रहोगे मेरे भाई। एक बात ध्यान रखो, किसी के भी शिष्य बन जाओ तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक तुम अपने आप के शिष्य नहीं बनोगे तब तक जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। महावीर के साथ रहते हुए भी, महावीर जैसा गुरु पाके भी, महावीर तो सच्चे गुरु थे, साक्षात थे, वीतरागी थे, कोई उनको दोष नहीं था, उनके अतिचार भी नहीं थे। ऐसे महावीर के साथ रहने वाला यदि राजा सैनिक नरक जा सकता है तो आप और उनकी क्या मजाक है मेरे भाई। अरे आप उसी में लगे, ये महाराज वो महाराज, ये माता जी वो माता जी, हम तो एक महाराज को मानते, हम उनको नहीं मानते। मेरे भाई जो यहाँ एक नहीं हो पाया वो वहां भी एक नहीं हो।
हो सकता है। ध्यान रखिए, उसके लिए कोई स्थान नहीं हुआ करता है। एक बात ध्यान रखिए, हम कोई एक भगवान के उपासक नहीं है, हम 24 तीर्थंकर के उपासक हैं। हम कोई नहीं कह सकते कि मेरे ऋषभदेव, मेरे महावीर, मेरे पारसनाथ। हम 24 की जो उपासना करता है उस समय दृष्टि हुआ करता है। हम एक शास्त्र के पूजने वाले नहीं है, एक समय साल के पूजने वाले नहीं है, 11 अंग 14 पूर्व को पूजने वाले हम लोग हैं, तब हम समय दृष्टि हुआ करते हैं। हम कोई एक महाराज को पूजने वाले नहीं है, हम 3.9 करोड़ महाराज की पूजा करते हैं, तब जाकर के समय दृष्टि हुआ करते हैं। एक बात ध्यान रखिए, सारा जीवन हमारा दूसरों में जा रहा है, सारा जीवन पर में ही जा रहा है। एक बात सोचिए, वो ऐसा करता, वो वैसा करता, मैं कैसा करता, इसको देखने का प्रयास करिए। यदि आप अपने अंदर से गलत हैं, तो नियम बनाइए, दूसरा आपको सही कभी नहीं लग सकता है। और एक बात ध्यान रखना, संसार में कोई भी चीज गलत नहीं हुआ करती है, हमारी मान्यता गलत होती, हमारी सोच गलत हुआ करती है। यदि आपके अंदर किसी के प्रति गलत भावना है, आप लाख कोशिश कर लो, उसकी अच्छाइयां आपको दिखाई नहीं देंगी। और जिसके प्रति आपका अनुराग है, उसमें हजार अवगुण हो, वो अवगुण आपको दिखाई नहीं देंगे। ध्यान रखिए, सोचना है आपको, विचार करना है। पड़ोसी का बच्चा अच्छे नंबर में पास होता है, तो हमारी आत्मा क्या कहती है मालूम है? नंबर 2 होगा, चोरी की होगी, नकल मारी होगी, पैसे खिला दिए होंगे, तभी तो पास हो गया। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेरे बच्चे के नंबर कम आए हैं, लेकिन पिछले साल तुम्हारे बच्चे के नंबर ज्यादा आए थे। क्या तुम्हारे मन में प्रश्न उठे थे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया? विचार करिए, आप सोचिए, जिंदगी को संभलने का प्रयास करिए। विचार ही जीवन का धर्म हुआ करते हैं। आप कितने भगवान बनना, उसको हम दूसरे को भगवान बनाने में लगे हुए हैं, भगवान बनाइए मेरे भाई। सदगुरु का विकास करिए। कौन क्या चढ़ा रहा है इस लफड़े में, बिल्कुल मत जाओ। चढ़ा रहा है उसकी इस महानता को प्रणाम करिए, ध्यान रखिए, वंदना करिए, भगवान की भक्ति कर रहा, पूजा कर रहा। ऐसी बातें मंदिरों में मत लाइए कि लोग मंदिर आना बंद कर दें, ऐसी बातें लाइए लोग मंदिर आना शुरू कर दें, तो तुम्हारा जीवन सार्थक तो सफल होगा। विचार करिए, मंदिर बुला के कोई झगड़ा मत करना, जीवन को शांति प्रदान करना। यदि तीर्थंकर के चरणों में बैठ कर भी हमको आत्मा की शांति नहीं मिली, तो हम वही मछली है जो पानी में प्यासी है। ये हमारा सौभाग्य नहीं, हमारा दुर्भाग्य हुआ करता है। आप सबने सुना, मैं देख दू दवाणी के ज्ञान से सुझे लो का लो, तो मस्त करूँ सदा देखूँ।